हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। जैसे कि विंटर्स आ चुके हैं एंड दिवाली भी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ, बाहर हवा चल रही है बहुत तेज़, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीक हम पूरा एक हेल्दी स्नैक या हेल्दी डेजर्ट टाइप सीरीज़ निकालेंगे। तो उसमें हम एक एक करके आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बना के दिखाएंगे जो कि हेल्दी भी होगी, हाई इन प्रोटीन होगी, हाई इन फाइबर होगी, जिससे कि आप लोग अपनी स्वीट क्रेविंग्स भी पूरी कर सकते हो मेरी तरह, जो कि मैं करती हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी एंड ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बेसिकली मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, तो हम इसको घर में भी बना सकते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि इसको आज ट्राई करते हैं घर पे बनाना। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, बट एक हेल्दी चॉकलेटी गुई और फाइबर से भरी एक कुकी बनाने की सोच रही हूँ मैं, जो कि मैं उसको रेगुलर खा सकूँ आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है एंड आजकल मैं ये खा रही हूँ, बट अब ये रोज़ रोज़ मैं नहीं मंगवा सकती। एंड तो मैं सोच रही हूँ अपना एक घर में ही पैक बना के रखूँ, तो जो कि मेरी स्वीट क्रेविंग्स को भी पूरा करेगा एंड मैं कुछ चीट भी नहीं करूँगी। सो आज हम ये बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट सेम नहीं रहेंगे, वो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी जो जो मैं डालना चाहूँ, एंड हेल्दी में ही रहेगा। मतलब ये भी हेल्दी ही है काइंड ऑफ, बट इसमें आप लोगों को शुगर भी मिलती है। हम शुगर ऑप्शनल है, ठीक है, शुगर ऑप्शनल है, हम शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। एंड इसमें ओट्स फ्लार है, रागी फ्लार है और सत्तू बेसन है और किन्नुआ का पाउडर है और वीट है, ठीक है। एक ही फ्लोर का यूज़ करेंगे जो कि ओट्स होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं मेरे किचन में, को वर्कआउट के साथ साथ अपनी हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ। उस चीज़ के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अब भी जाके लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, थोड़े टाइम से मेरे फेस में कुछ एलर्जी हो गई थी। मतलब 2 हफ्ते पहले ना मेरे को कोल्ड हुआ था, सो मैंने कोल्ड की थोड़ी हेवी डोज वाली टैबलेट्स खा ली थी, ठीक है, तो उससे मेरे को फेस में रिएक्शन हो गया था। तो दैट्स वाई, ये भी रीज़न है मैं अपना यूट्यूब नहीं बना रही थी। और मेरा फेस मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग दे रहा था, जलन मच रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। सो मैं अभी रिकवर हो रहा है, ये धीरे धीरे करके हो जाएगा। एक हफ्ता अभी थोड़ा हील हुआ है, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। साइड रखते हुए हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं अपनी प्रोटीन कुकी, जो कि हम उसको जिम में भी कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो मैं आपके सामने एक बेसिक से इंग्रेडिएंट्स रखने वाली हूँ जो कि आपको अपने घर में इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वो भी मेरे घर में अवेलेबल है ना, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के सामने वही रख रही हूँ। बेसिकली आप लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं इनके नेम साइड में मेंशन कर दूँगी। फर्स्टली हम बनाना को पील करके, आप ओवरराइप बनाना भी ले सकते हैं एंड नॉर्मल बनाना भी ले सकते हो, पील करके हम इसको कट करेंगे एंड फोक की मदद से हम इसको मैश करेंगे लाइक दिस। आप लोगों को फोक से नहीं करना तो आप लोग ब्लेंडर या मिक्सी वगैरह में भी कर सकते हो। सेकेंड स्टेप, हमने ओट्स को ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया था, देन उसमें अब हम मैश किया हुआ बनाना ऐड करेंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। मिक्सर अगर लिक्विडी लगे तो और ओट्स का पाउडर ऐड कर सकते हो आप लोग। देन उसके बाद ऐड ऑन करेंगे हम चॉकलेट, एंड ये शुगर फ्री चॉकलेट है अमूल की जो आती है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को कट करके डालेंगे थोड़े क्रंचीनेस के लिए, मिक्स मिक्स मिक्स। देन उसके बाद डालेंगे कोको पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून करेंगे मिक्स। लास्टली हम इसमें ऐड ऑन करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन के बिना तो हमारी कुकी अधूरी है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मसल ब्लेस का ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर, इसको और ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए। इसका टेक्स्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि अच्छे से बाइंड हो जाए। एंड मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना जो कि विधि MB28 है। बटर पेपर में हम इसको करेंगे प्लेस।
ये कुछ ऐसी दिख रही है। ऊपर से हम टॉप करेंगे और डार्क चॉकलेट एंड इसको रख देंगे 200 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट्स के लिए। गाइस खुशबू तो बहुत यम्मी आ रही है। 4:30 बज चुके हैं, मैं फटाफट से इसको टेस्ट करके जिम के लिए रेडी होके जिम के लिए निकलूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका टेस्ट बता देती हूँ। यम्मी, मम्मी को ट्राई करवाती। मम्मी आओ। पूरी कुकी निपटा दी मैंने, बहुत टेस्टी हो रहा है। पास है ये कुकी एंड अब मैं बाहर से नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि ये 50 रुपये में इतनी सारी बन के रेडी हो चुकी है। सो हम आ गए हैं जिम और मैंने वही वाला स्वेटशर्ट डाल लिया है क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। इसके अंदर मैंने पहनी है वाइट टी शर्ट। सो बेसिकली आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप। सो लेट्स गो। हमारे जिम में न्यू फैन लगा है बड़ा वाला, इसीलिए यहाँ पे वेंटिलेशन बनी रहे। और गाइस कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का वर्कआउट कैसा चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने बारे में भी थोड़ा बता दिया करो। और खैर मैं तो अपनी लाइफ की अपडेट देती रहती हूँ। बेसिकली मैं अभी नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही हूँ। फिजिक प्लस स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाए क्या बुरा है। चेस्ट की हम करेंगे 3-4 एक्सरसाइजेस एंड ट्राइसेप की करेंगे 3-4 एक्सरसाइजेस। ट्राइसेप की मैं सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज करने वाली हूँ, 4 का कोई फायदा नहीं है, 3 या फिर 2 करूँगी। हम सबसे पहले करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेस्ट वर्कआउट से पहले। आप लोग आफ्टर वर्कआउट भी कर सकते हो। तो मैं 3 सेट करूँगी 10-10 रैप के। तो लेट्स गो। सेकेंड का वेट एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। अभी शूज उतार के करूँगी। दो सेट कंप्लीटेड। अब हम करेंगे लास्ट सेट। हम 12 से लेंगे वार्म अप, देन मेन सेट शुरू करेंगे हम 15 से। अब हम ट्राई करेंगे 17 केजीज।
अब हम करेंगे मशीन चेस्ट प्रेस। तो ये मशीन में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब मसल बिल्ड करनी है तो अलग अलग एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्विंकल दी की वीडियो। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आज क्या ट्रेंड कर रहे हो आप? मेरा फुल डे, फुल डे। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ फुल पुश में। इनका बाइसेप है, मेरा ट्राइसेप है। मैंने कल इसको बोला था कि मेरे साथ ट्रेन कर ले, पर इसको लेट हो रहा था तो ये आज करेगी। बट मेरे बाइसेप्स हैं तो वो ट्राइसेप करेगी। सिमिलर ये हो जाएंगे अगर करेंगे साथ में। वो उस तरफ कर लेंगे, मैं इस तरफ कर लूँगी। अब हम करेंगे डंबल फ्लाइज। भयंकर एक्सरसाइज है ये। दो सेट हुए, अभी एक सेट और है। रोप से ज्यादा अच्छा है, रोप से ही करेंगे। मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पावर लिफ्टिंग से ज़्यादा इंटेंस बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट होता है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग जो कर रहे हैं उनको पता ही है कि बीच में थोड़ा गैप होता है उनके, बट जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके बीच में सिर्फ 30 सेकेंड या 15 सेकेंड का ही गैप होता है, कि ज़्यादा तो ध्यान लगती है। सो करेंगे हम अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करेंगे एंड फिजिकली भी काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।